हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्ट बुक के टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। मैं कौशल सारस्वत, फैकल्टी ऑफ साइंस, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जो भी स्टूडेंट्स लाइव हैं, आप सभी एक बार मुझे बताएंगे क्या मेरी वॉइस और वीडियो दोनों कैसी आ रही हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक बहुत ही बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में मैंने आप लोगों को यूट्यूब की क्लास जो हमारी शाम को 8 बजे साइंस के रिवीजन के लिए आती है हर रोज संडे टू थर्सडे, उस क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया था। क्योंकि मैंने 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को टेम्परेचर कन्वर्जन में दिए थे कि अगर कोई भी टेम्परेचर हमें डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है तो हम उसको कैसे फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे, और अगर कोई भी टेम्परेचर अगर हमें फ़ारेनहाइट में दिया है तो हम उसको कैसे केल्विन में चेंज करेंगे। तो ये जो टेम्परेचर का जो कन्वर्जन होता है, इससे एक क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी टॉपिक से रिलेटेड आज कॉन्सेप्ट हम इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आएगी। इसमें जो भी कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, उन कॉन्सेप्ट को आप यूज़ करेंगे तो आपके सारे सवाल भी सही हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का कॉन्सेप्ट, ओके। देखिए, तो अभी हमने आप लोगों से बोला कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट की, हम लोग बात करें, ठीक है ना। टेम्परेचर कन्वर्जन की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तापमान के परिवर्तन की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तापमान में परिवर्तन, ठीक है। अब मेरी बात प्लीज आप ध्यान से समझेंगे। देखिएगा, जब भी हम टेम्परेचर के कन्वर्जन की बात करते हैं तो हम इसके लिए, जब भी हम ज्यादातर बात करते हैं, हम जो भी एग्जाम्पल्स लेते हैं, हम बुक्स में जो भी चीजें देखते हैं, वो एक क्या है, एक्सपेरिमेंट है। लेकिन वो वाटर के लिए फिक्स एक एक्सपेरिमेंट है। इसके लिए वाटर के लिए एक फिक्स एक्सपेरिमेंट है। देखिए कैसे, अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं, अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं, या फिर हम फ़ारेनहाइट की बात करते हैं, या फिर हम केल्विन की बात करते हैं, या फिर हम र्यूमर की बात करते हैं, ठीक है ना, या फिर हम केल्विन की बात करते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास में 4 यहाँ पर स्केल है। हाँ, होने को तो हम और भी बहुत सारे स्केल यहाँ पर बना सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को कोई भी रेफरेंस मान सकते हैं। जैसे रैंकिन भी हमारा एक थर्मामीटर जो यहाँ पर होता है, ठीक है ना। देखिए, जब हम डिग्री सेंटीग्रेड की यहाँ पर बात करते हैं, तो डिग्री सेंटीग्रेड में हमने जैसे ये स्केल बनाया, तो इस स्केल पर हम 2 वैल्यूज यहाँ पर लिखेंगे। एक लिखेंगे मेल्टिंग पॉइंट और एक हम लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो जो हमारा ये वाली जो लाइन है, इस पॉइंट पर, लोएस्ट पॉइंट पर हम लोग लिखते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि क्वथनांक और गलनांक। तो हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्वथनांक, और इसको बोला जाता है गलनांक, ठीक है ना। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही मैं सेम यहाँ पर फ़ारेनहाइट के लिए लिखूंगा, ऐसे ही सेम मैं यहाँ पर र्यूमर के लिए लिखूंगा, और ऐसे ही सेम वैल्यू जो है मैं केल्विन स्केल के लिए यहाँ पर लिख लूंगा, ठीक है। देखिए, जब हम डिग्री सेंटीग्रेड के लिए यहाँ पर लिखते हैं, तो डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारी वैल्यू जो है वो हमारी क्या होती है। देखिए, यहाँ पर ये हमारी वैल्यू कितनी होती है, सभी को पता है, 0 डिग्री, और यहाँ पर ये बॉइलिंग पॉइंट हमारा कितना होता है, 100 डिग्री, ठीक है। यही वैल्यू, सेम वैल्यूज हमारी फ़ारेनहाइट स्केल पर कितनी होती है, यहाँ पर होती है 32 फ़ारेनहाइट, और यहाँ पर ये होती है 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है। सेम वैल्यू अगर हम र्यूमर स्केल पर देखते हैं, तो ये होती है हमारी 0 र्यूमर, और ये होती है हमारी 80 र्यूमर, ठीक है। सेम वैल्यू अगर हम केल्विन स्केल पर देखते हैं, तो यहाँ पर ये हमारी होती है 273, और यहाँ पर ये वैल्यू होती है 373। हालांकि ये वैल्यू 273.15 होती है, बट हम इसको 273 ले लेते हैं, ठीक है ना। 0.05 का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि जो डिफरेंस है वो हमारा सेम ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, इसके फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या है। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पर क्या है, सेंटीग्रेड माइनस लोएस्ट वैल्यू मतलब मेल्टिंग पॉइंट अपॉन हाइएस्ट वैल्यू आपकी कितनी है, 100 डिग्री, माइनस लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। ये जो वैल्यू है, ये फ़ारेनहाइट पर कितने के बराबर होगी, फ़ारेनहाइट यानी एफ माइनस लोएस्ट वैल्यू कितनी है, 32 अपॉन जो भी मैक्सिमम है माइनस लोएस्ट, यानी कि 212 माइनस 32। ये जो वैल्यू है, ये र्यूमर पर कितने के बराबर हो जाएगी, र्यूमर स्केल माइनस लोएस्ट वैल्यू अपॉन हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। यही वैल्यू जो हमारी होती है, सेम कैसी हो जाएगी, केल्विन स्केल माइनस लोएस्ट वैल्यू, यानी कि 273 विच इज डिवाइडेड बाई 373 माइनस 273, ठीक है ना। ये जैसे ही हम यहाँ पर लिख लेते हैं, अब जैसे आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा गया, अब आपसे कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सी एंड एफ, अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड की कोई भी वैल्यू दी है और आपसे फ़ारेनहाइट में आंसर पूछा है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, कोई भी मुझे बताएंगे
आपको अगर सी और एफ की बात की जा रही है तो आप इन दोनों को बराबर रख लो, अगर आपसे सी और के की बात की जा रही है तो आप इन दोनों को बराबर रख लो, अगर आपसे एफ और के की बात की जा रही है आप इन दोनों को बराबर रख लो, अगर आपसे आर और के की बात की जा रही है तो आप इन दोनों को बराबर रख लो। जिनके बीच में आपसे रिलेशन पूछा जा रहा है आप उन्हीं को बराबर रख सकते हो। जैसे आप सी एंड एफ के बारे में देखिए, क्योंकि ये आपने फिफ्थ क्लास में पढ़ा था, तो देखो सी और एफ में लिखूंगा तो सी माइनस जीरो सी 100 माइनस जीरो 100 हो गया, एफ माइनस 32 अपॉन अगर मैं 212 में से 32 घटाऊंगा तो 180, ठीक है ना, 0 0 दो पंजे 10 और दो नाम 18, तो ये रिलेशन हमारा यहाँ से आ गया। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सी बटा 5 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 बाई 9। अब ये जो रिलेशन है ये आप लोगों ने फिफ्थ क्लास में पढ़ा था, अब आपसे ये पूछा जाए, अब आप इसको याद भी रख सकते हो या फिर आप सिंपल ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, या फिर आपसे सी एंड के में पूछा जाए, मैं उन्हीं को लिख रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, ठीक है। तो देखो सी और के में पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू के माइनस 273, और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो भी हमारा कितना आएगा 100। अब 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो अगर डिग्री सेंटीग्रेड है और अगर हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम उसमें क्या करते हैं प्लस 273 कर देते हैं, और अगर हमें केल्विन दिया है और सेंटीग्रेड पूछा है तो माइनस के 273 कर देते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये कॉन्सेप्ट, आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि आप किसी को भी किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और आपका एक सवाल जो है वो बिल्कुल मजबूत हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, इसके साथ में ही कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, एक तोहफा है आप लोगों के लिए और टेक्स्ट बुक की तरफ से, ठीक है ना। तो इसका नाम है महाबचत सेल, ठीक है, और ये जो महाबचत सेल है ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये 28 मई से लेकर के 30 मई तक आप लोगों के लिए, सॉरी 31 मई तक आप लोगों के लिए रहने वाली है, चार दिन 28, 29, 30, 31 फोर डेज आप लोगों को एक बहुत बड़ा ऑफर यहाँ पर मिल रहा है, 90% की छूट पर मिल रहा है। इसमें सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होता है कि आप कोई भी कोर्स परचेज कर रहे हैं तो उसमें आता है यूज कोड, तो उस यूज कोड में आप एक कूपन कोड यूज करेंगे कौशल, KAUSHAL। जैसे ही आप कौशल यूज करेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा अलग से, ठीक है ना। ये जो आपका 90% तो है ही, इस 90% में भी अलग से आपको डिस्काउंट मिलेगा जब आप यूज कोड करते हो, दैट कोड इज कौशल KAUSHAL। यहाँ पर आपको विहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो 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 आपका कोर्स है वो आपको 7000 की जगह पर सिर्फ 1754 में मिलेगा। यूज कोड आपको कौशल जरूर करना है यहाँ पर भी, और सीटेट का कोर्स जो है आपको सिर्फ 464 में मिलेगा, इसमें भी आपको यूज कोड कौशल करना है। डी ट्रिपल एस भी कोर्स लेना चाहते हैं 3249 में आपको ये मिलेगा। सीटेट और स्टेट टेट अगर दोनों का कंबाइंड अगर आप कोर्स ले रहे हैं तो आपको सिर्फ 844 में मिलेगा, और अगर आप ये है आपका सीजी वेब एम टीचर, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है आप लोगों को ये जो है ये क्या है आपका छत्तीसगढ़ का है, ठीक है ना, तो ये आपको मिलेगा मात्र 1624 रुपए में। लेकिन आपको इन सभी के लिए क्या काम करना है, सिर्फ और सिर्फ कौशल कूपन कोड आप यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। चलिए खुश रहिए, मस्त रहिएगा, और ऐसे ही साइंस के कॉन्सेप्ट हमारे साथ में सीखते रहिएगा। संडे टू थर्सडे हमारी क्लास होती है शाम को 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक, जिसमें हम डिस्कस करते हैं टॉप 20 क्वेश्चंस साइंस के। थैंक यू सो मच, टेक केयर।